हेलो गोइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करने वाली निफ्टी 50 के बारे में कल का दिन बहुत ही बढ़िया था एक अच्छा मूव देखने को मिला अपसाइड में और लास्ट में हमें देखने को मिली प्रॉफिट बुकिंग दोनों तरफ अच्छा पैसा बनता अगर आप कहीं भी सही से एंट्री अपनी प्लान करते हमने अपने मेम्बर्स को एंट्री प्लान कराई थी आपको टेलीग्राम पर बताया था जो कि आप यहाँ देख सकते हैं सो अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी हमारे मेंबर्स के प्रॉफिट हमारे मेंबर्स की ट्रेड और साथ में जो भी मैं बताता हूँ समझाता हूँ वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये हमारी ट्रेड्स रहती हैं जो मैं अपने मेंबर्स को देता हूँ वो यहाँ पर आप लोग को शो भी करता हूँ ऐसा नहीं है कि आप लोग को कुछ दिखाता नहीं हो साथ में आप लोग को भी एक स्के्प दिया था लेकिन मॉर्निंग टाइम में प्रीमियम डिके की वजह से एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बन पाया होगा मार्केट में मूव तो आया था फोर्टी के ऊपर लेकिन प्रीमियम उस टाइम नहीं बढ़े थे जो मैंने आप लोग को बताया भी था ठीक है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है अच्छा ये ज़रूर चेकआउट करिए पिन कमेंट में जो मैं ट्रेड्स देता हूँ वो मैं पिन भी कर देता हूँ तो आपको काफ़ी सारी ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर जो बहुत ही बढ़िया चली हैं पिछले टाइम के अंदर सो so दैट आपका ट्रस्ट बने चलिए वापस आ जाते हैं चार्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को क्लियर कट क्या बताया था परसों के दिन मैंने बोला था कि बाईस हज़ार दो सौ का लेवल बहुत ही क्रूशियल है अगर ये टूटता है तो मार्केट में एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा सेम हमें वही देखने को मिला भी ठीक है हमारी ओपनिंग होती है काफ़ी बढ़िया और पहली ही पाँच दस मिनट के अंदर हमने बाईस हजार दो सौ के ऊपर निकले जो ये देखने को मिल रहा है ये फिफ्टीन मिनट का चार्ट है ये लेवल मैंने आपको बोला था बिग रेजिस्टेंस है अगर हमारा मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे जो मैंने अपने मेंबर्स को करवाया सीधा सिंपल भाषा में बताऊं तो लास्ट में जो आपको फॉल देखने को मिल रहा है ये मंथली एक्सपायरी था इसलिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और कुछ नहीं है मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव है और आगे भी हमको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में यानी कि मंडे के बाद थोड़ा सा वन आर टाइम फ्रेम पर अगर हम जाके देखें कुछ हमें देखने को मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ एज सच कुछ नहीं है मार्केट अच्छा पॉजिटिव है ठीक है बस लास्ट का जो प्रॉफिट बुकिंग आई है उस वजह से लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा दिक्कत लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप देखोगे तो लास्ट की वन आर टाइम फ्रेम में आप देखो नीचे से बाईस हज़ार दो सौ साठ से क्लोजिंग कहाँ पर आई है तीन सौ पच्चीस के आसपास नीचे से हमको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है कहाँ से दो सौ पचास के लेवल से तो बढ़िया है हमें ये जो कैंडल है ना ये फिफ्टी परसेंट के ऊपर निकल जाएगी ना यानी कि ये कैंडल शुरू कहाँ से हुई है ये कैंडल शुरू हुई है बाईस हज़ार चार सौ बीस से लेके बाईस हज़ार दो सौ साठ इसका फिफ्टी परसेंट लेवल निकलते ही आपको वापस से एक अप मूव देखने को मिलेगा इस बात को ध्यान में रखना मंडे के दिन अब मार्केट अच्छा खासा आपको हायर हाइज बनाता हुआ यहाँ पर वन आर टाइम फ्रेम पर नज़र आ रहा है जो यहाँ पर हमने ये मार्क भी किया था टेलीग्राम टेलिग्र, टेलीग्राम पर भी आपको मैंने बताया हुआ है ये सब कुछ तो अगर आप पिछले कुछ दिनों की कहानी देखोगे मार्केट पहले फॉल किया फिर धीरे 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 मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है जो लोज हैं वो शिफ्ट होते जा रहे हैं अपसाइड की तरफ तो देखो अगर मार्केट यहाँ से ये लेवल को भी टेस्ट करता है तो भी हमारे लिए बढ़िया है अगर मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाता है तो वो भी हमारे लिए बढ़िया ही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस चीज़ को ध्यान में रखो मैंने कल की वीडियो में भी आपको कुछ लेवल्स दिए थे एक बार हम लाइन चार्ट देखते हैं कि लाइन चार्ट हमको क्या दिखा रहा है फिफ्टी मिनट टाइम फ्रेम पे एक सेकंड दो तो अगर हम लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन से बन के आ रहे हैं एक सेकंड दो मुझे दिखा देता हूं मैं आप लोग को कि मार्केट अगर इसके नीचे निकलेगा तो फिर आपको इंट्रा में अच्छा मूव देखने को मिलेगा ये लेवल के नीचे ठीक है ये हमारा सपोर्ट एरिया है यहाँ से ही हमें बाउंस मिले मार्केट आया ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया तो इसके नीचे हमको ये वाले लेवल देखने को मिलेंगे पहले और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन भी है हमारी तो यहाँ पर मार्केट को रुकना चाहिए तो आप अगर डाउन साइड प्लानिंग करो तो इतना ही लेवल के लिए करना और यहाँ पर देखना कि क्या प्राइज एक्शन बन रहा है तो ये तो हो गया कि अगर आप लोग डाउन साइड की प्लानिंग कर रहे हो और ये लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है अब बात करें अगर हम अपसाइड जाने की कि अपसाइड का क्या सीन हो सकता है तो यहाँ पर हम आ जाएंगे अपनी नॉर्मल नॉर्मल कैंडल के ऊपर एक सेकंड दो ठीक है अब हमें देखना है लास्ट में जो मार्केट की जो ये आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही हैं ठीक है थीके? हम अगर कॉल साइड कुछ भी प्लान करेंगे मंडे के दिन तो हम किस चीज़ के ऊपर प्लान करने वाले वो मैं आपको बताने वाला हूँ वो लेवल्स आपके रहने वाले हैं बाईस हज़ार तीन सौ अस्सी यानी कि ये वाला एरिया है ना हम इसके ऊपर प्लान करेंगे यानी कि हमें ये निकलने देना है उसके बाद यहाँ पर हम कॉल साइड प्लान करेंगे टारगेट हमारा ये रेंज रहने वाली है चार सौ बीस से चार सौ चालीस और उसके बाद बाईस हजार पाँच सौ पाँच सौ बीस के लेवल हमारे लिए रहने वाला तो सिंपल प्लान है ये लेवल के नीचे आपको प्लान करना है पुट साइड के लिए कल भी बोला था ये लेवल्स के ऊपर आपको प्लान करना है कॉल साइड के लिए ये आपका नो ट्रेड जोन रहने वाला है आइयो आपको समझ में आ गया होगा एक स्टॉक जो मैंने आपको हमेशा बता के रखा था फाइनली बहुत ही शानदार मूव उसमें आ चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ डी अगर आप जाके देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे ये मैंने बहुत पहले आपको बाय करवाया था देखो इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है ठीक पैंतालीस सौ के आसपास ये जा चुका है इसका एक रीटेस्ट भी हो चुका है देखो जिसको अब लेना है ना वो भैया चुपचाप से पे चार हजार पाँच सौ पचास के ऊपर ले लो अगर किसी को छोटा रिस्क लेना है सौ पॉइंट का रिस्क लेके अपसाइड का मूव के लिए ले सकता है क्यों क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है अपना पहला टारगेट देखो जो पहले से मार के ना वही है मैंने कुछ नया नहीं किया है अब इसके नेक्स्ट टारगेट है वो फोर्टी एट हंड्रेड के और पाँच हज़ार के रहने वाले तो अगर आपको चाहिए तो ले लो मैंने तो ये स्टॉक आपको अड़तीस सौ पे छत्तीस सौ पर दिलवा रखा था वहाँ से एक अच्छा मूव आ गया टाइम लगा लेकिन मूव तो आपको देखने को मिल चुका है सो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो टेलीग्राम को ज्वाइन करो कमेंट सेक्शन में जो पूछना है पूछो टेलीग्राम से आप अच्छा पैसा बना सकते हो ये और सीखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट है कि आप सीखोगे ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ज्वाइन करना थैंक यू सो मच